हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल वाई डी एस में। जो दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ कुछ साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुँच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, भाइयों के बीच शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों का एग्जाम होना बाकी है उन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है यहां पर कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसे स्टेपीज कहते हैं, जो कहां पाई जाती है। दोस्तों याद रखना, पहला क्वेश्चन यहां पर पूछ सकता है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसको कहते क्या है। दोस्तों याद रखना कि सबसे छोटी हड्डी है उसको हम स्टेपीज या स्टेप्स कहते हैं। अब बात करें यह कहां पाई जाती है। दोस्तों यह हड्डी जो है कान में पाई जाती है। स्टेपीज जो सबसे छोटी हमारे शरीर की हड्डी होती है। कान में बात करें तो यहाँ पर ये कान है हमारा और अंदर साइड यहाँ पर ये जो है स्टेपीज हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है। दोस्तों याद रखना कि मनुष्य के जो होता है मस्तिष्क, उसके सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है उसको हम ड्यूरामीटर कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए ब्रेन है और ब्रेन के बाहर जो ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसको हम ड्यूरामीटर के नाम से जानते हैं। और पीयूष ग्रंथि की बात करें तो यह भी हमारे ब्रेन में पाई जाती है, जो कि हमारे सब शरीर की जो है सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों याद रखना कि भोजन का जो पाचन है यह एक उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था। दोस्तों याद रखना कि पृथक्करण का जो नियम है वो मेंडल के द्वारा दिया गया था। बात करें लुई पाश्चर की तो इन्होंने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों याद रखना है जो फाइकोलॉजी में जो है एल्गी का अध्ययन किया जाता है, अर्थात शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है। दोस्तों याद रखना कि इंसुलिन जो है इनका निर्माण जो अग्न्याशय ग्रंथि में होता है। बात करें अग्न्याशय ग्रंथि की तो यह हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, जो इंसुलिन हार्मोन और बात करें तो एंजाइम भी स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। दोस्तों याद रखना कि हार्मोन शब्द का जो नामकरण है वो बेलिस एंड स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने कोशिका की खोज की थी, और विलियम हार्वे की बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों याद रखना कि अरस्तु को है जो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों याद रखना कि पर्यावरण का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। दोस्तों पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को जो है हम वर्गीकी कहते हैं, अर्थात वर्गीकी के अंदर क्या होता है कि पौधों का नामकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। दोस्तों याद रखना कि जो एथिलीन होता है हार्मोन, ये गैसीय रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है। दोस्तों याद रखना कि जो एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है इसके कारण जो है हृदय की गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। दोस्तों याद रखना, गौर से पढ़िए क्वेश्चन, पित्त का निर्माण पूछ रहा है। अगर निर्माण पूछे तो इसका निर्माण जो है यकृत लिवर में होता है, और लेकिन इसकी बात करें कि यह संचित कहाँ होता है तो जो पित्त होता है या इसका संचय जो होता है पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। दोस्तों याद रखना मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ जो है वो अमोनिया है। और यहाँ पर लास्ट आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर कि मनुष्य में मादा जनन अंग में से किस हार्मोन का स्रावण होता है। दोस्तों रिलैक्सेशन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये तीनों हार्मोन जो है मादा जनन अंग से स्रावित होते हैं। और बात करें टेस्टोस्टेरोन की तो यह जनन पुरुष जनन जो है हार्मोन होता है। ये तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, भाइयों के बीच शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों के लिए और लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुँच सके। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।